तो आज संडे है, तो संडे के दिन कमेंट बॉक्स से कुछ एक क्वेरी मैं आपके सामने रखता हूँ। शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेरी के साथ। SBI मल्टी कैप रेगुलर फंड में 2 लाख और SBI मैग्नम मिड कैप में 2 लाख इन्वेस्ट किया है, रेगुलर फंड बेस्ट रहेगा या डायरेक्ट फंड? मैंने कई बार इन्वेस्टर को बताया है कि यहाँ पे डायरेक्ट फंड आपको ज़्यादा पैसा बना के ही देगा अगर आप रेगुलर फंड से कंपेयर करोगे तो। खर्चे के मामले में डायरेक्ट फंड में आपको कम खर्चा लगता है। लेकिन देखो, एक चीज़ मैं और आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमेशा इन्वेस्टर के सामने मैं कुछ ऐसे पॉइंट लेके आता हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। आप ये भी समझो, जो आपने पैसा सिर्फ SBI के म्यूचुअल फंड में लगाया है, जैसे कि SBI मल्टी कैप और SBI मैग्नम मिड कैप, इन दोनों फंड में अगर आप देखोगे तो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैच कर रहे हैं। दोनों म्यूचुअल फंड में आप अगर पोर्टफोलियो ओवरलैप देखोगे तो ये बढ़ता जा रहा है। ये अब 26% के करीब में है। 2 से 3 महीने पहले का आंकड़ा देखा था तो करीबन 22 से 23% था, अब ये 26% के करीब में हो गया है। लगातार अगर पोर्टफोलियो ओवरलैप का परसेंटेज बढ़ रहा है तो ये संकेत है कि वाकई में अब वहाँ पे रिस्क ज़्यादा बढ़ सकता है और रिटर्न भी कम देखने को मिल सकता है। आपने लमसम किया, ये सही डिसीजन है, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट AMC पे फोकस करें, सिर्फ एक ही AMC पे फोकस ना करें और यहाँ पे डायरेक्ट फंड का सिलेक्शन करें। चलिए अगले क्वेरी की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, कोई नया पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाना हो, कोई ऐसा गोल जिसके लिए आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली कैसे फंड को फोकस करें, फिनेंशियल प्लानिंग को लेके कुछ भी आपके पास क्वेरी है, जी हाँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेरी जो है यहाँ पे, ICICI टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ फंड में 9,39,000 लमसम किया, और ये बात है 2 साल 4 महीने पहले की। अभी करेंट वैल्यू जो है वो 9,20,000 हो गया है, नेगेटिव हो गया है, क्या करूं, प्लीज़ रिव्यू सर। ये जो टेक्नोलॉजी फंड है, आप जैसा कि जानते हो कि सेक्टर बेस्ड है, अगर कोई थीमेटिक फंड, अगर कोई सेक्टर, वो कभी चलेगा और कभी नहीं चलेगा, कभी आपको ज़्यादा पैसा बना के देगा तो कभी आपको नुकसान भी दे सकता है। अगर मैं यहाँ पे डाटा देखूँ, जी हाँ, मैं Nifty IT की बात कर रहा हूँ, Nifty IT का अगर आप डाटा देखोगे 7 जनवरी 2022 से लेके अब तक का डाटा देखोगे तो 13 से 14% का नुकसान हुआ है। ये करीबन 2 साल 3 से 4 महीने का आंकड़ा है, और इस 2 साल 3 से 4 महीने के अंतराल में हमें 13 से 14% का Nifty IT में नुकसान देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेरी है कि 2 साल 4 महीने पहले इन्वेस्ट किया था मैंने और नुकसान ही देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हो, मैंने ये कंपेयर किया, मैंने ये अज्यूम किया, जी हाँ, कि 11 जनवरी 2022 के आसपास आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा और अभी तक अगर हम देखें तो करीबन 10,000 का नुकसान देखने को मिल रहा है। अब मैं कभी भी इन्वेस्टर को ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप नुकसान में यहाँ बाहर निकलो। मैं यहाँ पर यही आपको एडवाइस करूँगा कि इंतज़ार करो, कुछ महीने, कुछ साल आप दो, जब आपका प्रॉफिट में देखने को मिले, और अगर आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप अपने पूरे फंड से यहाँ पे एग्जिट ले लेना। अगर आप हाई रिस्क लेके चलना चाहते हो तो समय देना, 3 से 4 साल और समय दो, जी हाँ, आपका पैसा बढ़ेगा, आपको इंतज़ार करना चाहिए, नुकसान और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है लेकिन रिकवरी भी होगा। इन्वेस्टर को मैं इस क्वेरी के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप वन शॉट में बहुत बड़ा अमाउंट और किसी सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में ना डालें। अगर आप 6 महीने के अंतराल में इस 9 से 10 लाख रुपये को पार्क करते तो आप नुकसान में नहीं होते, आप प्रॉफिट में होते। हाँ, प्रॉफिट कम होता लेकिन आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलता इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो ये भी बताना चाहता हूँ, ऐसे तो मैंने कई बार इन्वेस्टर के सामने ये एडवाइस रखा है कि सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में बहुत बड़ा एलोकेशन नहीं देना चाहिए। अगर इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू कम से कम 1 से 1.5 करोड़ के करीब में होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे ऐसे फंड को इतना एलोकेशन आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे 9 से 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है। आने वाले टाइम में अगर ऐसे नुकसान से बचना चाहते हो तो कुछ ऐसे गलतियों से आप बच के रहें, जैसे कि बड़े अमाउंट को आप 6 महीने 7 महीने में एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पार्क करें, और दूसरा, किसी भी सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में बहुत बड़ा एलोकेशन या बहुत बड़ा लमसम यहाँ ना करें। जी हाँ, मैक्स टू मैक्स 10 से 15% का एलोकेशन होना चाहिए अपने पूरे इन्वेस्टमेंट बजट का। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। एक सजेशन चाहिए था, मेरा SIP डेट 20 को रहता है 5,000 का, बट 6 मई को मार्केट डाउन है, तो
तो क्या मैं आज 5,000 लमसम करके और 20 के डेट वाले SIP को स्किप कर दूँ? इफेक्ट पड़ेगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, इफेक्ट पड़ेगा एग्जैक्टली। अगर गिरावट है आज के डेट में, यहाँ पे आपने SIP कर दिया और आने वाला जो 10-15 दिन के बाद SIP का डेट आएगा, आपने उसको स्किप कर दिया। लेकिन अगर मार्केट और गिरता जाएगा, मान लो अगर आपका 20 तारीख का यहाँ पे SIP का डेट है और 20 को और गिर गया, तब तो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो, श्योर हो कि अब यहाँ जो गिरावट हुआ है, इसके बाद मार्केट चढ़ेगा, तब तो आप इस स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से और गिरता गया, तो आज जो आप सोच रहे हो सकता है आपको नुकसान देखने को मिले। देखो, अगर आप SIP कर रहे हो तो ये साल में एक बार या दो बार आप कर सकते हो, कभी अपॉर्चुनिटी मिला तो। आप जो SIP बाद में जा रहा है, उसको पहले इस करके और उस डेट के SIP को स्किप कर दिए। लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता है। अगर आप ये करना भी चाहते हो तो आप अपने SIP को बंद कर दो, लेकिन इसके लिए समय भी चाहिए, मैं पहले भी बता दूं। और हर मंथ में जब ज़्यादा गिरावट हो तो आप जितना SIP करते थे उतना इन्वेस्टमेंट कर दो। हर मंथ में आप देखो, ट्रैक करो मार्केट को, और देखने को मिले कि गिरावट ज़्यादा है तो उस दिन आप वहाँ पे अपना SIP के अमाउंट को इन्वेस्ट कर दो, एज ए लमसम इन्वेस्टमेंट कर दो, तो इससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इसमें होमवर्क काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को वॉच करना पड़ेगा। अगर आपका बिजी शेड्यूल है काफ़ी, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कामयाब नहीं है। सिंपल SIP करें, मार्केट ऊपर है या नीचे है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, शुड वी कंटिन्यू और स्विच टू डिफरेंट फंड? एक बात मुझे समझ में नहीं आता है कि कई बार इन्वेस्टर 2-3 महीने पहले इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं पैसा नहीं बना तो वो वहाँ से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। थीम और सेक्टर बेस्ड फंड है। अब ऐसे स्थिति में, जी हाँ, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और काफ़ी कम समय हुआ है, मैं कह सकता हूँ 2 महीने का समय है। अगर मैं देखूँ पूरा इसका हिस्ट्री, तो आज के डेट में 2% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है 2 महीने में, और 1 महीने का देखूँ तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है 1.43% का। आपने इन्वेस्ट 3 महीने पहले किया है, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। मैं बोलूँगा कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए, समय दो। कोई भी फंड आपको 1 या 2 महीने में 10-15% का रिटर्न नहीं दे सकता, उसके पीछे कुछ कंडीशन अप्लाई हैं। जब तक वैसे सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को ना मिले, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। रिस्क का पैरामीटर यहाँ पे काफ़ी हाई है। चलिए अगली क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेक्स्ट क्वेरी है, हर 1-2 महीने में 6-7% घटता है तो कब बढ़ता है? देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कई बार देखने को मिलता है कि 5 दिन में 10 दिन में 6-7% का गिरावट हो गया, तो इन्वेस्टर यही जानना चाहते हैं बढ़ता कब है। देखिए, मार्केट वैसे बढ़ता भी है, लेकिन गिरावट में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गिरावट होता है। क्या होता है कि इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स जब नेगेटिव होता है, तो वहाँ पे बिकवाली काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, स्टॉक्स में धड़ाधड़ बिकवाली होता है, और उसका पूरा असर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। मार्केट बढ़ता भी है, जैसे कि मैं आपके सामने आंकड़े दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है, आप आंकड़े देख सकते हो, जैसे कि 13 मार्च से 15 मार्च में 3-3.5% का मार्केट चढ़ा था, स्मॉल कैप इंडेक्स का ये चार्ट है। वैसे ही 15 अप्रैल से 2 मई के बीच में 5% मार्केट चढ़ा था। तो मार्केट चढ़ता भी है, लेकिन गिरावट जब होता है तो ज़्यादा गिरता है, समय लगता है। आप समय दो, आपका पैसा ज़रूर बनेगा। ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, भेजिए कमेंट बॉक्स में, आए क्वेरी जनरेट करें। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।